दोस्तों प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवंत सिंह वाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक रियल एस्टेट में योर कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस वर्सेस योर सीनियर्स, ये क्या है। मैंने ये लिखा है कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक्सपीरियंस जब स्ट्रांग हो तो आप अपने सीनियर्स को सलाह देके अपनी बात मनवा सकते हैं। ये कहां की बात है, मैं जब राजस्थान में गया तो मेरे साथ सरदार बंत सिंह नंबरदार, बंत सिंह BANT बंत सिंह नंबरदार, पटवी गांव में पटवी इसका, तो ये मेरे साथ गए थे देखने के लिए राजस्थान में। मेरे को ले जाने वाला बंदा यही थे। और ये जो फकीर चंद अग्रवाल की मैं बात करता हूँ, जो मेरे को राजस्थान लेके गया था, उसका दोस्त है ये। और फकीर चंद जो था वेल नोन टू हिम, बंत सिंह। तो जब हम ये प्रॉपर्टी के लिए हम निकले और हमारे पास गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 5-6 बंदे हम यहाँ से गए, हम तो घूमने फिरने के हिसाब से गए थे। लेकिन जब वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी देखी तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ आनी शुरू हुई। तो अब बंत सिंह नंबरदार मेरे से उम्र में ज़्यादा थे, मैं 43 साल का था तब, और बंत सिंह नंबरदार की उम्र 60 साल थी, और ये 35 साल से काम कर रहे थे। मतलब यदि वो 35 साल वो लगाएं 2007 वाला और 22 ये 15 ये समझो 50 साल का एक्सपीरियंस है इस बंदे को। रियल स्टेट में 50 साल से काम कर रहा है, 25 साल की उम्र से काम शुरू किया, अब 75 साल के हैं ये। तो ये जब हमने राजस्थान में घूमना फिरना शुरू किया तो ये फिर मेरे को बोलने लगे कि सरार जी हम आ तो गए यहाँ पर, प्रॉपर्टी ले भी लेंगे आप, तो करेंगे क्या, ये बेचेगा कौन इनको बैठ के, कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो मैंने इनको पूरी कैलकुलेशन जब करके बताई कि हमें 3 लाख रुपए बीघा में जमीन मिल रही है, 3 लाख पर बीघा, और 2.5 बीघे का एकड़ है वहां पर, 2.5 बीघे का एकड़, तो 7.5 लाख रुपए एकड़ में हमें जमीन मिल रही है जो शहर के बीच में है। और 1 बीघे में वहां पर थे 17,424 स्क्वायर फीट। तो हमने जब वहां पता किया कि 17,424 स्क्वायर फीट है 1 बीघे में, हमने यदि कॉलोनी बनानी हो तो कितनी जगह हमारे सेलेबल है, कितनी हमारी वेस्टेज है। तो जब उन्होंने बताया कि सेलेबल आपको मिनिमम 10,000 फीट मिल जाएगी, मतलब 17,424 आपकी वेस्टेज है, ये 17,424 स्क्वायर फीट में से हमें 10,000 सेलेबल मिलती है। तो जब हमने वहाँ रेट पता किया कि वो उन्होंने बताया कि 150 रुपये फिट में माल बिकेगा, तब 2007 में 150 रुपये फिट में माल बिकता था, तो इसका मतलब ये हो गया 10,000 गज जो जगह हमें 3 लाख रुपये बीघा में ले रहे हैं, वेस्टेज निकालने के बाद 15 लाख रुपये बीघा में बिक रही है। ये कैलकुलेशन थी। और मैंने बंत सिंह नंबरदार जी को यही समझाया कि नंबरदार जी आप ये बताएं कि जो चीज़ हमें 3 में मिली है या 30 रुपये फिट में हमें पड़ रही थी, ये 10,000 के हिसाब से 30 रुपये फिट में पड़ रही है और 150 रुपये फिट में बिकती है आराम से, तो हमें नुकसान कैसे हो सकता है। तो वो कहने लगे यार दूर है, आना जाना रहेगा। मैंने कहा आना जाना रहेगा लेकिन पंजाब और हरियाणा से इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट भी तो बहुत ज़्यादा है, यदि हमारा आने जाने में खर्चा होगा तो वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट भी तो रहेगा। तो ये मतलब 100% खुल के नहीं उन्होंने कहा कि भाई ये करना चाहिए हमें। उसके बाद विजय सिंह शेखावत, एक जयपुर में लड़का रहता है, मैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ था 2007 से ही, जब हम राजस्थान घूमने गए थे, वो गाइड है, इधर उधर लेके जाता है, जैसे गाइड दूसरे बाहरले उससे स्टेटों से बंदे आते हैं तो घुमाने के लिए लेके जाता है, तो उसको भी लेके गया। उसने भी पहले ऐसे ही कहा भाई पापा जी ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो फिर मैंने उसको एक दिन सुबह उठ के 8 बजे से लेके 9 बजे तक टेलीफोन पर हर एक कैलकुलेशन करी। तो ये दोनों बंदे मेरे पीछे लग गए, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से ऊपर आ गया, मतलब इनसे ज़्यादा हो गया, क्यों, मैं इनको कन्विंस करने में कामयाब हो गया। और ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया तो इन्होंने मेरे को हाँ बोल दी। तभी तो मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस क्या है, जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि तहाँ पहुँचे एक्सपीरियंस वाला अनुभवी। तो
तो अनुभवी अनुभव होने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इनसे ज़्यादा था, मेरे सीनियर थे पर मेरा कॉन्फिडेंस इनसे ज़्यादा हो गया। और बाद में 2008-9-10 में मेरे को बंसिंग नंबरदार मिला, मिलते रहे, बात करते रहे कि सरदार जी आपने हमारी बात ना मान के बहुत अच्छा काम किया है, अब आप पहले हो, पहले बंदे हो वहाँ पर जाके जिसने काम शुरू किया, अब जहाँ तक मर्जी चले जाना आपको कोई बंदा कम्पीट नहीं कर पाएगा। सो सिंपल बात यह है, जब आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काउंट करता है, आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है, आपकी नॉलेज, नॉलेज नहीं रादर अप्लाइड नॉलेज काम करती है। यदि आप अप्लाइड नॉलेज आपके पास हो तो आप अपने सीनियर्स को सलाह देके कॉन्फिडेंस में लेके उनको अपनी बात मनवा सकते हो। ये आप प्रॉपर्टी डीलर हो, यदि आप एजेंट हो तो भी डेफिनेटली आप अपने इन्वेस्टर्स को ये बातें कन्विंस कर सकते हो, कन्विंस करके अपनी बात मनवा के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। सो ये तभी मैं कहता हूँ, मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी इसीलिए लिखा था, जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि तहाँ पहुँचे अनुभवी। ये किताब ये मैंने लिखा था तरुण सागर जी महाराज जो जैन मुनि हैं उनके मुंह से मैंने एक बार उनकी वीडियो में सुना था, और तब का ही मैंने अपने पल्ले बांध ली थी बात ये कि अनुभव हमने लेना है, इसमें अनुभव लेके हम बंत सिंह नंबरदार और विजय सिंह शेखावत को अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। सो दोस्तों, यदि आप में भी इस तरीके की कॉन्फिडेंस है, इस तरीके का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को अपनी बात मनवा के अपने आप को खुशहाली में, खुशहाली की तरफ ले जा सकते हो। प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली, मेरी किताब का नाम, वो आप पा सकते हो यदि आपके पास कॉन्फिडेंस प्लस एक्सपीरियंस हो। आज के लिए इतना ही, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा।